बोला गया कि अभी एक सप्ताह पहले हमारे यहाँ पे जो 3-4 दिन पहले बैनर लगे थे मकान के हुए उसका खंडन करने के लिए आर्य समाज जालौर आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके अंदर एक ही परिवार के नैनू राम और ये इनके परिवार वालों ने दीवार तोड़ दी हमारी और अतिक्रमण करने के लिए हमारा गेट वगैरह तोड़ दिया। इसके बाद में हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की और इन लोगों ने बाद में क्या करा कि एक मकान बिको लेकर मीडिया बंधुओं को भ्रमित करने के लिए एक अभियान चलाया और इसका खंडन करने के लिए इस आर्य समाज प्रांगण के अंदर हम सब इकट्ठे हुए। प्रधान जी श्याम जी आर्य और मैं और मेरी पूरी टीम ये बताने के लिए कि भैया ये न्यूज़ बिल्कुल झूठी दी है और ये सच्चाई ये है कि हमारे साथ में अत्याचार हुआ है, हमारी दीवार को तोड़ा गया है। इसकी पुलिस कंप्लेन भी हम लोगों ने दे रखी है। हमारे पास 140 साल पुराना इस आर्य समाज प्रांगण का पट्टा है और उसी की दीवार को जो पुरानी दीवार थी उसको तोड़ उसको तैयार करने के लिए हम लोगों ने नगर निगम से परमिशन लेके इसको बनाने के लिए हमें कार्य कर रहे हैं। इसको रोड़ा डालने के लिए एक ही परिवार के लोग नैनू राम और दो तीन और इनके रिलेशन वाले ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं और इसका हम देने के लिए पुलिस प्रशासन और निगम को सबको दे रहे हैं। और दूसरा जो इमोशनल कार्ड जो खेला है उसका विरोध करने के लिए कि पूरा मोहल्ला इनके साथ में है, पूरा मोहल्ला आर्य समाज से परेशान है, ये गलत है, सरासर झूठ है। सिर्फ मात्र 4 परिवार और एक ही प्रिंट के अंदर एक ही कलर के अंदर इन्होंने बैनर छपाया और एक ही 4-5 घर के अंदर लगा दिया और पूरी आर्य समाज को बदनाम करने के लिए, पूरे मोहल्ले को खराब करने के लिए इन लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। इसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इसका खंडन हम आर्य समाज वाले और पूरे मोहल्लेवासी कम से कम 700-800 घरों की बस्ती हम सब ने पूरा साइन करवाया है और इसका विरोध करने के लिए ये आप लोगों को यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम बलवीर आर्य है सर, मैं आर्य समाज जालौरिया का वास का मंत्री हूँ। मेरे पास में बड़े भाई श्याम जी आर्य जो प्रधान है। आर्य समाज जालौरिया वास में स्वागत है आपको। आज तकलीफ देने का मुख्य कारण ये था, एक सामाजिक संस्था को बदनाम किया जा रहा है कि हमसे मोहल्ले वालों को भय हो गया पैदा, हमसे डरने लग गए। जिस मोहल्ले में आज 40 साल से ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे घर घर से धन संग्रह करके व्यायामशाला चला रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, बच्चों को योग शिक्षा दे रहे हैं, सवेरे शाम दोनों समय योग व्यायाम का कार्यक्रम होता है और 40 साल बाद में हमने जो धन संग्रह किया उसे हमने दीवार पक्की कर ली। इसलिए निगम से हमने इजाजत लेकर के 4 दीवारी का निर्माण कर रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत कोई इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सामाजिक सेवा है। कच्ची दीवार थी, वर्षों से वो गिर रही थी, वर्षा उसको बना दिया जाए। तो नैनू राम का परिवार, 4 भय उनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ, सभी जमीन पर कब्जा किया, अतिक्रमण किया, उनके डॉक्यूमेंट प्रूफ है अतिक्रमण, एक अशोक सेन है उसका भी कब्जा किया, इतनी बड़ी जमीन कब्जा कर लिया। बोले नहीं हम, हमें क्या करना, हमारे से बहुत दूर है, लेकिन वो बिना मतलब के रोड़े अटका रहे हैं, अनावश्यक इल्जाम लगा रहे हैं कि ये स्विमिंग होगी, वो होगी, कैसी स्विमिंग होगी, या तो स्विमिंग तो बरसों से पूरे जोधपुर शहर है तैरता था, यहाँ कोई जैसे फटासरे में तैरते हैं ना, ये भी तैरते, साफ सुथरा पानी था, फसा भी साफ सुथरा था, तो ये कोई बात नहीं थी, ये इल्जाम लगा रहे। और बनी हुई दीवार को 2017 में हमने सफाई की इसकी और दीवार बना दी, गंदगी नहीं डालेंगे उस दीवार पर। तो 11 तारीख को दरवाजा तोड़ दिया, 11 जुलाई को मेरे से झगड़ा किया, मुझे आपको बदनाम कर देंगे, गाड़ी क्लोज की, मेरे से बॉक्सी कुछ इल्जाम लगाए। और उसके बाद में 13 तारीख को रात को इन लोगों ने मिलकर के पूरी दीवार तोड़ दी, पुलिस में FIR दर्ज हो गई है, पुलिस इनकी कार्रवाई कर रही है और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन भी शीघ्र इन पर कार्रवाई करे और उचित सजा होनी चाहिए। जो हम यदि गलत हैं हम तो हमें सजा मिलनी चाहिए, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो है मुजरिम उनको अवश्य सजा मिले। हम आप मीडिया से ये आशा रखते हैं कि आप ये सच्ची बात मीडिया द्वारा प्रशासन पर पहुँचा लो, पुलिस प्रशासन पहुँचा दो, जिला प्रशासन को भी जानी चाहिए ये बात। हम विश्वास करते हैं कि सहयोग होगा, हम समझते हैं कि सेवा का काम करते हैं, यदि आज सेवा करने वाले का सहयोग नहीं मिले कौन सेवा करेगा, किसके पास समय है, ऐसे समय नहीं किसी पास, किस तरह ठीक है हम तो पुराने हो गए, रिटायर्ड हो गए, हमारा काम ये ही बैठना आ सकते हैं। 140 साल पुराना पट्टा है, उसके बाद में भी ये स्थिति बनी है, पट्टा फूल जमीन निगम से परमिशन ली हुई, ये देखिए आप निगम की परमिशन है, मैं बनाने के लिए दीवार बनाने के लिए परमिशन लेकर काम, और बिना परमिशन में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया बंधु से, पुलिस प्रशासन भी अब मेरे हमारे साथ में सहयोग नहीं कर रहा, ये सिर्फ धीरे धीरे अब मैं आपके मीडिया के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, एज ए मंत्री आर्य समाज जालौरिया का पास, अब हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, अगर ये नागरिक थाने वाले अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं देते हैं यहाँ पे, तो हम
बहुत ही जल्दी कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद में हो सकता है हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे।